राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन डालने और ओबीसी के सांप्रदायिक बयानबाजी के खिलाफ राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कछवा से कपसेठी 25 किलोमीटर पद यात्रा के दौरान पार्टी एक जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय ने कहा कि तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सरकार भंग करे तथा जफरयाब जिलानी को अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजे, साथ ही साथ ओबीसी की संसद सदस्यता खत्म करने हेतु सरकार लोकसभा अध्यक्ष से सिफारिश करे। पार्टी अध्यक्ष ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सभी समुदाय और जाति के लोगों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। यहां तक कि बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी सहित सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए पुनर्विचार याचिका डालने से इनकार किया है। मगर जफरयाब जिलानी और ओबीसी दोनों मिलकर देश के शांत माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर हाल में न केवल सुप्रीम कोर्ट का अपमान है बल्कि 130 करोड़ भारतीयों का भी घोर अपमान है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मान्यता रद्द करने व ओवैसी सहित सभी कट्टरपंथियों को जेल भेजने की मांग को लेकर लखनऊ रायबरेली इलाहाबाद होकर कछवा रोड होते हुए कपसेठी में हुआ रैली का समापन। कपसेठी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय व राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पवन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। रैली में काफी संख्या में मोटरसाइकिल व चार पहिया वाहन शामिल रहे। प्रमुख लोगों में डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, कृष्णा पांडेय, राजेश्वर सिंह, श्रीनेत सिंह, संजय राय, अमित राय, अंकित राय, सुभाष सिंह, जजलाल राय, शिवम सिंह, दिव्यांशु मिश्रा सहित स्वराज सिब्बू सिंह आदि ने भाग लिया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाज, आज किस जगह से रैली निकाली जा रही है? इस रैली की तो वास्तविक शुरुआत लखनऊ से हुई है और इसकी अंतिम पड़ाव कपसेठी है। ये कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं इस रैली में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री पवन सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री कृष्णा पांडे जी और तमाम प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग शामिल हो रहे। रैली किस लिए निकाली गई है? ये रैली मुख्यतः हमारे देश में कुछ जो राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा, जैसे कि ओबीसी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, उस वक्तव्य के विरोध में हम लोग इस रैली को निकाल रहे हैं। और हमारी भारत सरकार से यह मांग है कि इस देशद्रोही वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए ओबीसी की संसद सदस्यता समाप्त की जाए। और क्या आगे कुछ मांग और भी है? हमारी मांग यह है कि अब हिंदू मुस्लिम का जो मैटर था, राम मंदिर का मामला था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसका निपटा दिया गया। अब उस पर धर्म के नाम पे अब कोई राजनीति न की जाए। अब सरकार देश के विकास के बारे में बात करे, क्योंकि हम लोग विकास के क्षेत्र में काफ़ी हद तक पिछड़ चुके हैं। रोजगार की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, हमारी इकोनॉमी की स्थिति डाउन होती जा रही है और ऑटो सेक्टर से लेकर तमाम औद्योगिक क्षेत्र बहुत नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, आज किस जगह से रैली निकल के कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली लखनऊ से आकर के सीधे कपसेठी तक जाएगी। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और कितने की संख्या में लोग हैं? इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री गोपाल राय जी और राष्ट्रीय महासचिव पवन सिंह जी और रैली में कम से कम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। इस तरह से भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और इसी तरह से एक हमारे देश में एक पार्टी है ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी, जो हमेशा दंगा भड़काने वाला, हिंदू मुस्लिम विरोधी भाषण देने वाला, ऐसे व्यक्ति की वास्तव में भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से पार्टी की सदस्यता समाप्त होना चाहिए। साथ में पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो अपने केवल एक रोटी ऐसा साधता है, राजनीतिक रोटी, बताइए जब पांच सुप्रीम कोर्ट का जज मिलकर फैसला कर दिए तो ऐसी स्थिति में उसको करने की क्या आवश्यकता थी? ये लगा करके केवल अपना चर्चा में बने रहने के लिए वो करता। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पवन सिंह जी दो शब्द बोले। ओबीसी को जेल भेजा जाए, उसको जेल भेज के देश से निष्कासित भी किया जाए। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर जो उतर रहा है वो इंसान बुरा है। हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने का काम कर रहा है ओबीसी। हम लोग प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उसको जेल में भेज दिया जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे ताकि कायम रहे।